करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां इतिहास में नक्सलियों पर हुए सबसे बड़े हमले से बीजापुर और मानपुर मोहला में नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा। 16 अप्रैल को कांकेर के छोटे बेठिया इलाके में इस मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। इनमें नक्सलियों के दो बड़े लीडर शंकर राव और ललिता भी थी। शंकर राव 4 राज्यों का वॉन्टेड था और उस पर करीब 1 करोड़ रुपयों का इनाम भी था। देखिए रिपोर्ट। 15 अप्रैल सोमवार की रात को कांकेर डीआरजी और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने विशेष मुखबिर की सूचना पर छोटे बेठिया थाना के अंतर्गत बेचा घाट के कोठरी नदी के पार से अपना सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। घने जंगल, 2 से 3 पहाड़, पथरीली पगडंडियों से होते हुए पूरी रात और एक पहर लगभग 25 से 30 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद जवान जा पहुंचे हापा टोला और कल्पर के जंगल के पहाड़ पर, जहां टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ने अपने नक्सली साथियों के साथ अपना डेरा जमाए रखा था। लंबे समय से ही पुलिस नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इस बार जवानों ने एक बेहतर प्लान के साथ नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इस बात का पता नक्सलियों को चल चुका था, तो पहले हमला नक्सलियों ने किया और जवाबी कार्रवाई में 29 नक्सलियों को मार गिराने की कामयाबी मिली। जवानों को माओवादियों के उत्तर सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता मंगली ने प्रेस नोट जारी करते हुए 17 नक्सलियों को जिंदा पकड़े जाने के बाद गोली मारने का आरोप भी लगाया। आरोप ये भी है कि 11 नक्सलियों के पास हथियार नहीं थे, हालांकि पुलिस इसे झूठा बता रही है। नहीं, ये तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम माओवादियों का तो कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना, ऐसा चलता रहता है, है ना। वो तो ग्रामीण आदिवासियों को इसी तरह बरगला के और उनका माइंड वॉश करके लोग अपने संगठन में शामिल करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरा अच्छे से जेन्युइन इनकाउंटर है, आत्मसुरक्षार्थ ही पुलिस के द्वारा फायर की गई, जिसमें माओवादी ढेर हुए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली शंकर राव उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिवालय सदस्य चल्ला गरीगा चटियाल मंडल वारगल जिला, रीता कोत्री एसी सदस्य आरकेबी डिविजन हलोरा पंचायत मानपुर, विनोद सन्नू गावड़े संयुक्त एसी सदस्य आमकोड़ो मोहला मानपुर, सुखलाल सुकलू पदा एसी सदस्य उत्तर बस्तर डिविजन छिदपुर नारायणपुर जिला, रवि उर्फ बचनू मांडवी एसएमसी दस्ते का कमांडर ओकेम भैरमगढ़ बीजापुर, रमेश ओयाम पीपीसी सदस्य वैचापाल भैरमगढ़ बीजापुर, बद्रू बार से पीपीसी सदस्य सब जोनल एंटी कमांडर करेंगू डैम सुकमा, अनीता उपेंडी पीपीसी सदस्य बुंडोस ऊर्छा नारायणपुर, रजिता वरिष्ठ पार्टी सदस्य मेंढकी एलओसी उत्तर बस्तर डिवीजन आदिलाबाद। अब देखना ये होगा क्या इतने बड़े घटना के बाद जो है नक्सली घटनाक्रम शांत हो जाते हैं, या फिर वो बौखलाहट में आकर और भी किसी बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रेस नोट में नक्सली प्रवक्ता द्वारा जो है साफ सुथरे शब्दों में बयां किया गया है कि इस चीज का विरोध संपूर्ण ढंग से करें और विरोध प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। इसके बाद नक्सलियों द्वारा ये भी प्रेस नोट जारी किया गया है कि 25 अप्रैल को इन जो नक्सली मारे गए हैं उनके स्मरण के लिए 25 अप्रैल को नक्सलियों द्वारा जो है पूरे क्षेत्र में बंद का ऐलान भी किया गया। नारायणपुर कांकेर मानपुर मोहला जिलों में जो है बंद का आह्वान नक्सलियों द्वारा किया गया है। सुमित बड़े, INH न्यूज, बांदी।